नमस्कार, आप देख रहे हैं की बॉलीवुड। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को साल 1973 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म जंजीर ने सुपरस्टार बना दिया था। उससे पहले बिग बी ने एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में काम किया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। उस मूवी का नाम है परवाना। दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने विलेन का रोल किया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म परवाना साल 1971 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने नवीन निश्चल और योगिता बाली के साथ स्क्रीन शेयर किया था। वहीं ओम प्रकाश और शत्रुघ्न सिन्हा भी इस फिल्म का हिस्सा थे। परवाना फिल्म में अमिताभ बच्चन सन की प्रेमी कुमार सेन की भूमिका निभा रहे थे, जो आशा वर्मा यानी कि योगिता बाली के प्यार में पागल थे। वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए हत्यारा भी बन जाता है। कुमार सेन ऐसा षड्यंत्र रचता है कि हीरो राजेश्वर सिंह यानी कि नवीन निश्चल भी बुरी तरह फंस जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी। उन्होंने खलनायक के किरदार को बखूबी बड़े पर्दे पर उतार कर ऑडियंस के दिलों को जीत लिया था। ये वो वक्त है जब अमिताभ बच्चन को फिल्मों में सिर्फ छोटे मोटे रोल ही मिला करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में मेकर्स ने कुमार सेन का रोल संजीव कुमार को ऑफर किया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल और डेट्स की कमी की वजह से उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद यह रोल अमिताभ बच्चन को मिल गया। अमिताभ बच्चन की फिल्म परवाना को ज्योति स्वरूप ने डायरेक्ट किया था। बताया जाता है कि उस वक्त अमिताभ के डांसिंग स्किल अच्छी नहीं थी। इस वजह से शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट बहुत बुरी तरह परेशान हो गए थे। यहां तक कि उन्होंने डायरेक्टर ज्योति स्वरूप से अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करने के लिए कह दिया था। परवाना की रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन के हाथ जंजीर फिल्म लग गई और वह देखते ही देखते बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन बन गए। दूसरी तरफ नवीन निश्चल का स्टारडम खत्म होता चला गया। दोनों ने साल 1982 में रिलीज हुई देश प्रेमी में काम किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन लीड किरदार में थे, वहीं नवीन सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। दोस्तों, किस्मत कब किसकी कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।